फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आचार्य कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें में वेलकम करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कल क्या करना और क्या नहीं, और एक ख़ास बात, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल उपाय। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष, चींटियों को आटा डालें। मेष क्या ना करें, किसी से बहसबाजी ना करें। वृष क्या करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। वृष क्या ना करें, हर किसी पर भरोसा ना करें। मिथुन क्या करें, लोगों से खुश मन से बात करें। मिथुन क्या ना करें, अपने मन में बुराई ना लाएं। कर्क क्या करें, मन में अपना लक्ष्य तय कर लें। कर्क क्या ना करें, काले कपड़े ना पहने। सिंह क्या करें, माता के पैर छूकर घर से निकलें। सिंह क्या ना करें, बिजनेस में पैसा ना लगाएं। कन्या क्या करें, बच्चों को खिलौने बांटे। कन्या क्या ना करें, किसी का अनादर ना करें। तो अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, कुंडली टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन जरूर देखें, और इस प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अति विशेष उपाय, तो बने रहे मेरे साथ। तुला क्या करें, कुल्लड़ में पानी पिए। तुला क्या ना करें, किसी भिखारी को खाली हाथ घर से ना जाने दें। वृश्चिक क्या करें, सूखा अदरक खाएं। वृश्चिक क्या ना करें, पैसे का लेन देन ना करें। धनु क्या करें, गाय को रोटी खिलाएं। धनु क्या ना करें, किसी की चुगली ना करें। मकर क्या करें, लाल रुमाल जेब में रखें। मकर क्या ना करें, गलत लोगों की संगति ना करें। कुंभ क्या करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। कुंभ क्या ना करें, चावल ना खाएं। मीन क्या करें, कन्याओं को भोजन कराएं। मीन क्या ना करें, गलत तरह से किसी से ना पेश आए। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है आज के स्पेशल उपाय का। ये स्पेशल उपाय उन लोगों के लिए है जो बेअक्कल होते हैं या जिनमें अक्कल की कमी होती है, कहें तो अक्कल बढ़ाने के लिए। तो क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। आपको एक गोल लाल फल लेना है, जैसे मौसम्बी आप ले लीजिए। इसे अपने दोनों हाथों में रखिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। ओम अकलमशाय नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम अकलमशाय नमः। और इसको थोड़ा सा जाप करने के बाद में, 2 मिनट में जाप करने के बाद में, इस फल को अपने सर से स्पर्श कीजिए और इसे गणपति के मंदिर चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में लगातार, यह आपको 12 दिन उपाय कर लीजिए, आपको 13वें दिन से आपको फर्क नजर आएगा अपनी अकल में, आप बहुत समझदार हो जाएंगे। कल क्या करें क्या ना करें में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए मैं कमल नंदलाल आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर। लेकिन एक ख़ास बात, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।